वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के नौचंदी थाना के भीतर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक महिला ने सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि एक विवाद में उसे कार समेत थाने ले जाया गया था। शाम को उसे व अन्य महिलाओं को छोड़ दिया गया, लेकिन कार लेने के लिए अगले दिन थाने बुलाया। अगले रोज जब वह थाने गई तो वहां उसके साथ दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। अब जेल से 44 दिन बाद जमानत पर बाहर आने पर महिला ने न्याय के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। वहीं SPCT ने महिला द्वारा लगाए गए सामूहिक दुष्कर्म के आरोप का खंडन किया है। SSP ऑफिस पहुंची महिला ने ये जानकारी आज मीडिया को दी। देखिए, मेरे साथ थाने में नौचंदी थाने में गैंग रेप हुआ है और पुलिस वाले ने किए हैं, और मैं SSP ऑफिस पे गई थी, SSP साहब मिले नहीं। क्या पूरा मामला था, कब की घटना है बताइए ना। देखिए, काफ़ी दिनों से कूड़ा चुगने के लिए नगर पालिका में DM ऑफिस पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें मैं समर्थन दे रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि 15 तारीख को 10वें महीने में झगड़ा हो गया नौचंदी ग्राउंड में। तो मेरी गाड़ियाँ, इन्होंने पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी और मुझे उठा के पुलिस और कुछ महिलाओं को थाने में बंद कर लिए। फिर 15 तारीख को शाम को छोड़ दिए इन्होंने, और मेरी गाड़ी की चाबी ले लिए और बोले कि सुबह आ पाना। जब मैं सुबह 11 बजे के करीब लगभग गई तो इन्होंने मेरे साथ गैंग रेप किया। और KK गौतम को मैं पहचानती हूँ, काफ़ी दिनों से मैं क्या एक महीने से मैं उनको देखी हूँ वहाँ पे नौचंदी जो वो है चौकी है वहाँ पे। 2 पुलिस अन्य थे जिनको मैं देख करके पहचान जाऊँगी, और 2 और थे, CEO थे कंपनी के और एक विकलांग आदमी है। कौन से थाने की घटना है ये? नौचंदी थाने का। इसके बाद आपने आगे कहीं शिकायत की इस बात? नहीं, मुझे जेल भेज दिया गया था निम्न धाराओं में, और मेरी 44 दिन में मेरी बेल हुई है। कोई पैसे का बता रहे हैं जी? मेरे लड़की से, जब मैं जेल में थी, मेरी लड़की, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे लड़की को एक पुलिस वाले ने थाने गए, पुलिस वाले हैं कौन है बट पुलिस वाले ने बताया, उन्होंने मेरे लड़की से 20,000 रुपया लिया और 42,000 रुपया उन्होंने कई दिन 2-3 दिन में लिए हैं नेट द्वारा। उसका आप तक कोई? हाँ जी, मेरे पास प्रूफ है। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगी इनके खिलाफ, इन्होंने मेरे साथ जो भी किया ये गलत किया है। आप पैसे से क्या है? मैं पैसे से, देखिए, LLB की हूँ, वकालत करती हूँ, बट 2 साल से मैं LLB नहीं कर रही। मेरी लड़की घर पर रही है, मैं अपनी लड़की की देखभाल करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।